दुर्ग नगर निगम के धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का संभाग आयुक्त ने किया निरीक्षण, देखी व्यवस्था। दुर्ग नगर निगम द्वारा नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित किए जा रहे श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने नव नियुक्त पदभार लेते ही संभाग आयुक्त महादेव कावरे पहुँचे, जहां उन्होंने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में मौजूद दवाइयों की जानकारियां ली। इस दौरान संभाग आयुक्त ने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में दवाई खरीदने पहुंचे लोगों से बातचीत भी की और उनका अनुभव जाना। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करने के पश्चात नव नियुक्त संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में लगभग 300 बीमारियों की दवाइयां उपलब्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में पहुंचने वाले हर मरीजों को संपूर्ण बीमारी की दवा उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में कम कीमतों में दी जा रही दवाइयों का शहरवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बातें कही। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी। जो धन्वंतरी मेडिकल स्टोर द्वारा प्रारंभ किए गए और लोगों को अभी डिस्काउंट में जो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है उसी का निरीक्षण किया गया है कि लोगों को इसका बेनिफिट मिला। देखिए, और भी कंपनियों के कोएड करने के लिए उनके द्वारा मांग की जा रही है। ये कलेक्टर साहब से जो है संबंध में आयुक्त ने बात भी किया है और आगामी बैठक में उसको करने के लिए बात की। उनके द्वारा बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीमारियों को उसमें दवाइयों को कवर किया गया है और बहुत अच्छा प्रयास है राज्य शासन का। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।